ज़्यादातर किसान इस साल दुचित्ती दे विच है कि बासमती का की बनेगा, भावें कि साफ तो स्पष्ट कहना ये हजे तीक बहुत मुश्किल है, पर आपां कुछ चीज़ां दे उपर गौर कर सकते हैं कि इस समय दुनिया दे विच जां साडे इत्थे की कुछ हो रहा है, तो उस तो एक अंदाजा लाया जा सकता है कि बासमती का रेट किवें रहेगा। तो ये उपर गल करते हैं कुलदीप सिंह शेरगिल मरखाई वालों। सारे ही किसान साथियों नूं सत श्री अकाल। चैनल जरूर प्लीज़ सबसक्राइब कर लो ताकि खेती संबंधी जानकारी तुहाडे तक पहुँचती रहे। किसान दोस्तों, पहली गल, मैं पिछले कुछ दिनों तो इस पासे लग्या होया सीगा कि देखा जाए कि बासमती दे थल्ले रकबा पिछले साल नालों वध रहा है जां घट रहा है। तो कई बीज उत्पादक एजेंसियां दे नाल गल कीती गई, कुछ बीज वेचण वालियां संस्थावां दे नाल गल कीती गई, तो देखण च यह आया है कि पंजाब अते हरियाणा दे विच आम सालां दे नालों बासमती दे थल्ले रकबा घटिया है। तो मुच्छल वगैरह बासमती की जगह पर कई जगह पर देखने से आया है कि PR 114 झोना ले रहा है। तो कुल मिला के जो शुरुआती रुझान लगता, क्योंकि हजे तक बहुत अर्ली है कहना कि बासमती थले रकबा घट है, क्योंकि अगे बासमा जिहड़ा हैगा 2021 मानसून का आपां नूं लगता है कि समय तो पहला ही पहुँच जाएगा। जे बरसातां ज़्यादा हो गई तो कई नरमे वाला एरिया भी तुसीं जानदे हो कि बासमती दे थले आएगा, परंतु जिहड़ी फैलाल स्थिति है वो ये दिखाई दिंदी पई है। तो ये चीज़ इस दे पक्ष विच जांदी है कि बासमती दा जेकर एरिया घट है तो डिमांड ज़्यादा होएगी तो रेट वधण दी संभावना है। दूसरी जिहड़ी नैगेटिव गल है, जिहड़ी उल्ट जा रही है कि वैसट एशिया दे कुछ देश है जिस तरीके दे नाल ओमान है, इजिप्ट, जॉर्डन, UAE, सऊदी अरेबिया, असी बासमती का एक वड्डा हिस्सा पिछले साल इन्हां देशां नूं एक्सपोर्ट किया है। पहला इन्हां देशां दे विच की सीगा कि कोई एक यूनिफाइड सिस्टम नहीं सीगा कि सारे बंदे इक्को जे उन्हां दा ला होवे, तां कोई जिहड़ा हैगा पेस्टिसाइड रेजिड्यू का कोई कानून वरत रहा सी, कोई स्टैंडर्ड वरत रहा सीगा, परंतु ये जिहड़ा साडे लई धक्के दी गल है कि वह ये है कि इन्होंने यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड अपना लिए इस साल तो। हुण यूरोपियन यूनियन के जे स्टैंडर्ड अपना लेंदे है तो आपां देखिया है कि यूरोपियन यूनियन के नवे स्टैंडर्ड लागू होने तो बाद च यूरोपियन देशों के विच साडा एक्सपोर्ट घटिया सीगा। तां इह हुण तुहाडे हत्थ है, इहदे विच ना तां इह कोई तुहाडा जो है ट्रेडर कुछ कर सकदा है, इह तां किसान कर सकदा है। किवें कि साडा किसान ये करदा की है, पहला आ देखो कि पिछले साल पेंडेमिक दे बावजूद, महामारी दे बावजूद साडा बासमती दा एक्सपोर्ट पूरा फुल फ्लैज होया है। तो टोटल झोना बासमती ते गैर बासमती दा जिहड़ा एक्सपोर्ट असी बाहरले देशां नूं भेजिया उन्हें नवे रिकॉर्ड कायम किए हैं। फिलीपीन दे विच असीं काफ़ी झोना पिछले दिनों दे विच भेज चुके हैं जां बासमती भेज चुके हैं। तो कुल मिला के शुरुआती सानूं दिक्कत आई सी क्योंकि कंटेनर है नहीं सी साडे कोल, बाद दे विच सरकार वल्लों उहनां दा इंतजाम किया गया ते असीं चंगी मात्रा दे विच झोना बासमती ते गैर बासमती दा एक्सपोर्ट किया। गल चल रही सी किसान दी, देखो जी बिना गल तो कलोरो पाई जाना, बिना गल तो कार्बनडिजम 12-63 जमीन च पा देना, बूटे की फोट कराउण दे लई देखा देखी हरा करन दे लई जिहड़ी जहरां वरतदे हो, इन्हां जहरां ने मैं पिछले साल भी गल कीती सी कि साडे पैरां ते कुहाड़ी मार देनी है, बासमती जमां खत्म कर देनी है इन्हां ने। तां इह तुहाडे हत्थ है कि तुसीं इन्हां जहरां दा जिहड़ा इस्तेमाल है कंट्रोल च करो, जिवें पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी सिफारिश करदी है जां पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी दियां सिफारशां वख वख संस्थावां दियां सिफारशां मेरे वर्गियां द्वारा दसियां जांदियां है, तां उहनां दी पालना करो, फालतू जहर वरतने बंद करो तां कि बासमती दा जिहड़ा साडा एक्सपोर्ट है इन्हां देशां नूं उसे तरीके नाल जांदा रहे। ठीक है जी, पहली प्लस पॉइंट ते दूजा नैगेटिव पॉइंट तुहाडे सामने आ गया। हुण इक होर घटनाक्रम होया है, उह घटनाक्रम की होया है ये तुसीं ये देख ले कि देश जिहड़े सीगे ओमान, इजिप्ट,
जॉर्डन यूएई ते सऊदी अरेबिया दे उपर इहदा प्रभाव पएगा नवें कानून लागू होण दे नाल। ते तुसीं जिहड़ा घट तो घट जहर वरतो जिन्ना हो सके सीधी बिजाई वाले पासे लैके आओ। ये एग्रीवाच का रेट है श्री अमृतसर साहब का। ये बासमती का रेट है कि 10,000 तो उपर चावल का रेट जिहड़ा हैगा इन्होंने दिखाया हैगा। तां कुल मिला के रेट जिहड़ा चावल का हैगा वो सही है इन्हां दे अनुसार। आ जिहड़ी अगली मुख्य खबर है वो ये है कि ईरान सानू पहलां तेल दिंदा सी सस्ता। तो ईरान का तेल जिहड़े बंदे साढ़े इत्थों दे बिजनेसमैन खरीदते सी वो खरीद के ते एक पेमेंट सिस्टम बनिया होया सी दो बैंक लौट सीगियां। जिन्ना तेल साढ़े देश च आया उन्ना पैसा साढ़े जिहड़े व्यापारी है रुपइयां दे विच उन्हां बैंकां जमा करवा दिंदे सीगे। ते भारत तो जिहड़ा वह चौल मंगाउंदा सी चाह मंगाउंदा सी जां होर जिन्नियां चीज़ां मंगाउंदा सीगा वो साढ़े जिहड़े चौल वाले व्यापारी है वह ईरान नूं भेजदे सीगे। ते जिहड़ी उन्हां दे कोले रसीद हुंदी सीगी वह दिखा के इन्हां बैंकां तों आपदी पेमेंट लै लैंदे सीगे। परंतु अमेरिकन गौरमेंट ने जिहड़ा ट्रंप प्रशासन ने ईरान दे उपर जिहड़ा हैगा सैंक्शनस लगा दित्तियां। सैंक्शनस लगाउण तों बाद दे विच असीं तेल खरीदना ईरान तों बंद कर दिता। तो जिहदे करके कोई पेमेंट सिस्टम ना होण करके साडा घट्टो घट बासमती का जिहड़ा लैण देण सी जां गैर बासमती चौल का ईरान नाल लैण देण सी उह बुरे तरीके नाल प्रभावित होया है। जदों दा बाइडन प्रशासन आया अमेरिका दे विच उस टाइम तो बड़ा ही तेजी दे नाल लगातार मीटिंग्स हो रही न्यूक्लीयर डील दे उपर। ते ये खुशखबरी तुहानूं चंद दिनां दे विच ही मिल सकती है कि अमेरिका जिहड़ियां सैंक्शनस हैगियां वह ईरान तो हट गईयां है। बहुत ज़्यादा संभावना है। ते ईरान ने इस तो पहलां भारत नूं उह नवीं ऑफर दित्ती है कि तुसीं ईरान का सस्ता तेल खरीद के ईरान दे विच ही अपना जिहड़ा हैगा तेल स्टोर करो ते फिर इत्थों अपना भारत लै जाओ। तां इह जिहड़ा सिस्टम डिवेलप हुंदा है तां इहदा मतलब कि साडे लई ईरान दुबारा फिर बासमती दे लई खुल जाएगा। जे ईरान साडे लई खुल जांदा दुबारा तां उहदे नाल साडी बासमती दे विच बहुत चंगा बूम दुबारा फिर आ सकदा है। दुबारा फिर चंगे रेट सानूं मिल सकदे है। परंतु जे तुसीं इस चीज़ नूं डिटेल च देखो तां सैंक्शनस कुछ समय बाद हटणगियां जिवें संभावना है। फिर बासमती दे सौदे होणगे फिर जाके रेट साढ़े इत्थे वधणगे। तां इहदा मतलब यह हैगा कि इस चीज़ ते टाइम लगेगा। तो जे टाइम लगेगा तां आपां ये भी कह सकते हैं कि जदों बासमती दी फसल एकदम आएगी तां तुरंत सानूं रेट जिहड़ा हैगा घट मिल सकदा जिवें पिछले साल होया सीगा। तो कुछ समय दे लई स्टोर करनी पै सकती है। जिवें कि मेरा मुख मकसद सीगा तुहानूं जो स्थिति है वह समझाउणी। मैं तुहानूं ये नहीं कह रहा कि भी रेट एकदम बहुत चंगे हो जाएंगे या रेट चंगे नहीं रहेंगे। परंतु जिहड़ियां दो चीज़ां हैगियां कि बासमती दे थल्ले एरिया घटना अज दी तरीक दे विच कल नूं की हुंदा पता नहीं। दूसरा जे ईरान द्वारा खुल जाता है तो बासमती दे वारे न्यारे हो सकते हैं। परंतु जे किसान ना समझे अन्ने वाह जिहड़े पेस्टिसाइड वरतते रहे तो फिर जिहड़ा साडा वैसट एशिया दे नाल व्यापार चल रहा है वह भी प्रभावित हो सकता है। तो तुहाडी बासमती नूं किसी ने पुछना नहीं हैगा। तो कुल मिला के मैनू यही उम्मीद है कि जिहड़ा सारा कोई पॉजिटिव वाले पासे जाएगा तो किसानां नूं जिहड़ा हैगा चंगी रिटर्न मिलन की संभावना बनती जाती नज़र आउंदी है। भावें कि उहदे विच कुछ समय लई स्टोर भी करना पै सकता है। तां दोस्तों ये मेरी निजी राय सीगी। मैं कोई तुहानूं इह सिफारिश नहीं कर रहा कि बासमती लगाओ तो रेट बहुत वधेगा। मैं तुहानूं ये भी नहीं कह रहा कि रेट घटेगा। परंतु मेरे अनुसार जिहड़ी स्थितियां हैगियां और जे मैं अपनी समझ दे आधार ते जिन्नी कि मेरी समझ है उहदा जो अवलोकन किया मैनूं लगता है कि हालात सुधर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेहरबानी दोस्तों।